तो बैक के बाद शोल्डर ऐसा मसल है जो आपको ब्रॉड लुक देने में आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपका शोल्डर राउंड लुक है, इसके सभी तीनों हेड्स आपने अच्छे से डेवलप किए हुए हैं, बहुत ज्यादा बिग साइज ना हो वैसे लेकिन राउंड लुक हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एक अलग लेवल पे ले जाता है एक आम आदमी को। अगर आप कंपेयर करें जो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं है, ऐसे ढले हुए शोल्डर बिल्कुल भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करते। शोल्डर राउंड है, थोड़ा स्क्वायर शोल्डर है, आपके शोल्डर ऐसे दिखते हैं राउंड, तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी हो जाती है। अब शोल्डर के तीन मेन फ्रंट मीडियम रियर तीन हेड है शोल्डर के, यही पूरा शोल्डर है। ये जो होता है सही है आपका बैक का मसल होता है, लेकिन इसको भी आप शोल्डर के साथ ट्रेन कर सकते हैं चाहे तो। आप तीनों को एक ही ट्रेनिंग में ट्रेन करेंगे तो शेड्यूल बहुत लंबा हो जाता है। आप अपने हर वर्कआउट में इन तीनों में से किसी दो हेड को ट्रेन करें। एक दिन आपने फ्रंट और मीडियम हेड पकड़ लिया, एक दिन मीडियम और रियर हेड पकड़ लिया, एक दिन रियर और फ्रंट को इंक्लूड कर लिया, तो कोई भी दो हेड को हर ट्रेनिंग में आपने स्विच करते रहना है और एक आपकी ओवरहेड प्रेसेस हो जाएगी, चाहे आप बारबल से करें या डंबल से करें या दोनों करें, आपकी मर्जी है जितना आपके पास टाइम हो। और लास्ट में अपने ट्रैप्स को, इसके लिए आप अपराइट रोइंग या बारबल शिरक्स दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो टोटल आपकी दो तो शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, आइसोलेशन मूवमेंट, एक आपकी कंपाउंड मूवमेंट होगी ओवरहेड प्रेस और एक आपका शिरक्स हो गया। टोटल आपकी चार एक्सरसाइज है, पांच भी कर सकते हैं आप, तो ये आपके पूरे ओवरऑल डेल्ट के लिए काम करेगी। मैंने बताया आप चाहें तो तीनों ऐड एक ट्रेनिंग में कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा शेड्यूल हो जाएगा। आप कोई भी दो ऐड पकड़ लें, उनको स्विच करते रहे हर वर्कआउट में, तो आप एक अच्छा राउंड लुक अपने शोल्डर को दे सकते हैं। और देखना जैसे ये डेवलप हो जाएगा, चार से छह महीने भी लगेंगे आपको, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। थैंक यू।